हेलो, मैं आपको हस्तमैथुन मतलब मास्टरबेशन इसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। मैं शाम को मेरे क्लिनिक में बैठा हुआ था तो एक 21-22 साल का लड़का मेरे चैम्बर में धीरे से अंदर आया, बहुत ही डरा हुआ। और वो आके फिर मैंने उसको बोला बैठो, बोला कि मैं तो यहाँ 4 बार पहले आके गया मगर मेरी हिम्मत नहीं है आपसे बात करने की। मैं बोलो क्या हुआ क्या? बोले कि मुझे हस्तमैथुन करने की मतलब मास्टरबेशन करने की आदत है और उससे मैं बहुत कमजोर होते जा रहा हूं, इसलिए मैं आपके पास में आया। उसको मैंने बिठाया, उसको शांति से समझ लिया पूरा, उसको कॉन्फिडेंस दिया, आत्मविश्वास दिया कि कोई डरने की कोई बात नहीं है, मैं हूं यहां बैठा हुआ, तुम बात करेंगे। उसको पूछा और तो उसने बताया कि मैं पिछले 5-6 साल से मास्टरबेशन करता हूं, मतलब हस्तमैथुन करता हूं और उसके वजह से मेरा वीर्य बहुत बाहर जा रहा है रोज और उसके वजह से मुझे बहुत कमजोरी आ रही है। दिन ब दिन मेरा वजन कम होते जा रहा है और मुझे नर्वसनेस मतलब डिप्रेशन लगता है, इसलिए वो आए। उसको मैंने तपास लिया, पूरा चेक किया डॉपलर मशीन से, उसको तपास लिया, बाकी उसका ब्लड प्रेशर, बाकी सब उसकी फिजिकल पूरी तपास कर लिया, मतलब चेक कर लिया। फिर उसको मैंने बिठाया और फिर उसको समझाया, मास्टरबेशन या हस्तमैथुन जो है वो कोई बीमारी नहीं है। हस्तमैथुन मतलब हाथ से किया हुआ मैथुन, वो हस्तमैथुन। इसके बारे में लोगों के मन में बहुत गलत फहमी है। एक्चुअली इसमें करते क्या है, करते यह है कि शिश्न जो रहता है तो शिश्न को ऐसा हाथ के ऊपर रख के और हाथ की ऐसे मुट्ठी करके उसको घर्षण करके, शिश्न का घर्षण करके, और जब घर्षण करते हैं तो उसमें मैथुन जैसा मतलब सेक्स जैसा मतलब जैसा सेक्सुअल इंटरकोर्स जो होता है, संभोग होता है, उसका जैसा आनंद उसमें मिलता है वो घर्षण से। और कुछ घर्षण कुछ समय तक घर्षण करने के बाद में वीर्य बाहर फेंके जाते हैं, तो ये जो है ये नॉर्मल है। मगर होता क्या है कि लोगों ने पेपर में अखबार में कुछ पढ़े रहता है, कोई एडवर्टाइजमेंट में रहती है अखबार में, कोई उसने उन्होंने यूट्यूब में देखे रहता है, कोई उन्होंने आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में सुना रहता है या कोई भूंदू वैद्य जो रहते उनके बारे में सुना रहता है, तो भाई हस्तमैथुन यह करना अच्छा नहीं। एक्चुअली हस्तमैथुन करना, मैंने उसको समझाया कि भाई हस्तमैथुन करना है नॉर्मल। जब बच्चा जो रहता है वो 12-13 साल के बाद में जब उसमें सेक्सुअल चेंजेस आते हैं, उसमें सेक्स कैरेक्टरिस्टिक जब डेवलप हो जाते हैं, वो जब पुरुष बनता है, वो जब आदमी में आता है, बड़ा होता है, मतलब हार्मोनल चेंजेस उसके बॉडी में आते हैं, तो फिर होता क्या है, जब हार्मोनल चेंज आते हैं तो उसको ऐसे मूंछ आना, दाढ़ी आना, है ना, बाकी जगह बाल आना वैसा शुरू हो जाता है और उसको शिश्न में टेंशन भी आना शुरू होता है, मतलब शिश्न बड़ा भी होना शुरू हो जाता है, सेक्स के विचार आते रहते। अब ये जो है ये टोटली नॉर्मल अवस्था है, इसमें कोई गलत नहीं है। उसको जब सेक्स के विचार आते हैं तो नेचुरली उसका आकर्षण लड़कियों की तरफ और लड़कियों का आकर्षण लड़के की तरफ होना चालू हो जाता है। अब एक तो वो विचार जब आते हैं तो इतने विचार आते हैं कि फिर वो उसको ऐसा कुछ सोचता नहीं कि मैं कुछ करूं। जब वो हस्तमैथुन करता है, मास्टरबेशन जब करता है, तो होता क्या है कि सेक्सुअल एनर्जी जो है वो शांत हो जाती है, रिलैक्स उसको लगता है, वो काम कर सकता है। तो मैंने उसको समझाया कि हस्तमैथुन कोई पाप नहीं है, ये कोई अबनॉर्मल नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। जितने भी बार आपको करना है उतने बार आप रोज भी हस्तमैथुन कर सकते हो, उसमें कोई गलत नहीं। मगर हमारे इसमें क्या है, बताया हुआ है पुराने हमारे शास्त्रों में कि ब्रह्मचर्य जो है उसका पालन करना चाहिए। शादी के पहले इस ऐसी जैसी कोई क्रियाकर्म जो है इसमें कोई हिस्सा नहीं लेना चाहिए, अपना वीर्य बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा बताया गया है कि एक बूंद जो वीर्य का रहता है वो 80 बूंद उसके खून के बराबर का है। फिर वो सोचता है कि मैंने इतने इतने सारे बूंद, इतना सारा 1-2 ml 3 ml जो है वीर्य बाहर चले गया और मतलब कितना खून गया, कितनी ताकत गई, और फिर वो हिसाब करता है, लगता है कि नहीं नहीं अभी मेरी ताकत रोज के रोज बाहर जा रही है। फिर अपने दोस्तों को भी पूछता है और कहीं बाहर किताबें खरीदता वहां देखता है और उसमें अक्सर ऐसा मालूम पड़ता है कि नहीं नहीं हस्तमैथुन करना गलत है, मास्टरबेशन करना गलत है और उससे कमजोरी आती रहती है। फिर उसके दिमाग के ऊपर उसका असर आना चालू होता है कि मैं मास्टरबेशन कर रहा हूं, दिमाग में
ऐसा विचार सबकॉन्शियस माइंड में पक्का विचार बिलीफ सिस्टम हो जाती है कि नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, और वो धीरे 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 फिर उसके उसका खाना पीना वो भी निकल जाता है, कम हो जाता है, उसके विचार आते रहते हैं और उसका वजन कम होते जाता है। वजन कम होते गया कि उसको पूरा विश्वास हो जाता है कि देखो इसकी वजह से मेरा वजन कम हो रहा है, इसकी वजह से मेरे गाल अंदर चले गए और अभी मैंने हस्तमैथुन जो कर रहा हूँ इस अभी बहुत ही बुरा हो रहा है और अभी मैं क्या करूँ। कुछ लोग तो कुछ बच्चे उसके लिए खुदकुशी भी कर लेते हैं। तो इसके बारे में जानकारी देना जरूरी है कि ये टोटली नॉर्मल है। हस्तमैथुन में और जो समागम करते सम्मुख करते इसमें क्या फर्क है? उसमें कुछ भी नहीं। समागम जो होता है वो औरत के साथ में लेडी के साथ में होता है और हस्तमैथुन खुद ने करना है, खुद ने करने की प्रक्रिया है वो। तो दोनों में एक्चुअली फर्क कुछ भी नहीं है। इसमें भी घर्षण होता है, उसमें भी घर्षण होता है, इसमें भी वीर्य बाहर निकलता है, उसमें भी वीर्य बाहर निकलता है। स्त्री के साथ में जब समागम करते हैं तो वीर्य वो भी वीर्य बाहर चले जाता है, ये भी वीर्य बाहर चले जाता है। तो इसमें कोई गलत नहीं है, ये समझना जरूरी है। अब ये हस्तमैथुन का जो सा लड़कों में हस्तमैथुन करते हैं वैसे लड़कियां भी हस्तमैथुन करती है, मास्टरबेशन करती है। लड़कियों में भी शिश्न जो रहता है वो भी शिश्निका रहती है, छोटा सा शिश्न रहता है और लड़कियां भी उसको स्टिमुलेट करके उसको उसको टिंगलिंग करके टिकलिंग करके उसको उत्तेजना आती है और उसमें भी उसको मजा आती रहती है। तो लड़कियां भी शादी के पहले हस्तमैथुन करती है, लड़के भी करते रहते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। वीर्य कितना भी गया तो भी गलत नहीं है। और इसमें लोगों को जानकारी देना जरूरी है कि शादी के पहले यदि वो हस्तमैथुन कर दे तो उल्टा अच्छा है। क्यों? क्योंकि जो सेक्सुअल एनर्जी जो है वो विचार जो आते हैं उसको बाहर जाने के लिए कम से कम एक रास्ता मिल जाए। हस्तमैथुन करने से कम वो लड़का वेश्या के पास नहीं जाएंगे, प्रोस्टिट्यूशन मतलब वो उसमें इंडल्ज होगा उसमें जाएंगे नहीं, क्योंकि उसको उसमें शांतता मिल जाएगी हस्तमैथुन से, तो वो भी वो करेगा नहीं। तो इसलिए हस्तमैथुन एक नॉर्मल है, नेचुरल है। मगर शादी के बाद में यदि वो हस्तमैथुन होता है और शादी के बाद में अपने पत्नी के साथ में संभोग सुख न लेते हुए उसने हस्तमैथुन करना पसंद किया तो फिर वो एक तरह की बीमारी होती है। अगर वह शादी के बाद में यदि पत्नी घर में नहीं है, पत्नी को कोई बीमारी है या पत्नी कहीं बाहर गांव निकल गई है और इसको इच्छा होती है और वो उस समय वो हस्तमैथुन मास्टरबेशन करता है तो वो भी नॉर्मल है। और पत्नी के साथ में सुख नहीं लेना और उसके बदले हस्तमैथुन करना ये गलत है, क्योंकि फिर उसमें क्या होता है कि उसमें पत्नी को सुख न मिलने से फिर उसमें मतलब वो दोनों में प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो इसमें कोई दवा नहीं है, वो जो हैबिट है उसको दूर करना नहीं है, वो बीमारी नहीं है। तो ये जानकारी होना जरूरी है। इसके लिए आप हम जो सेक्सुअल एजुकेशन जो करते हैं तो इसकी शिक्षा आप लोगों को दो, ये वीडियो लोगों के साथ में शेयर करो। अधिक जानकारी है तो हमारे फेसबुक है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं या पेज के ऊपर लाइक कर सकते हैं ताकि आपको इसमें से जानकारी मिलेगी। हमारी वेबसाइट है उसको वहां भी आप विजिट करके वहां भी आपको जानकारी मिल सकती है। सो थैंक यू वेरी मच।